सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे लोकी के एपिसोड 6 ने मार्वल के आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर दिया है। लोकी के एपिसोड 6 ने लिटरली स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, इसके अलावा एंटमैन 3 को सेटअप कर दिया है। और लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वापस भी आने वाला है। इसके अलावा लोकी का सीजन 2 भी बनने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लोकी का एपिसोड 6 इंपैक्ट कर सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम को, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को, एंटमैन 3 को और एमसीयू के पूरे फ्यूचर को। इसके अलावा लोकी का क्या फ्यूचर हो सकता है एमसीयू में, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकी के एपिसोड 6 के लास्ट में फाइनली एमसीयू में मल्टीवर्स क्रिएशन हो गया और अब एमसीयू को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलावा मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बोल सकते हो। प्लस लोकी के एपिसोड 6 ने कैंग द कॉन्करर को एमसीयू के फ्यूचर के लिए सेटअप कर दिया है और अब कैंग द कॉन्करर एक थैनोस लेवल विलन हमें मिल चुका है और कई मायनों में कैंग द कॉन्करर शायद थैनोस से आगे भी निकल जाएगा। तो आप ये समझ लो कि एवेंजर्स 5 जब भी बनती है, मोस्ट प्रोबेबली 2025 या 2026, तो एवेंजर्स 5 में हमें एज द मेन विलन कैंग द कॉन्करर ही देखने को मिलेगा। और एवेंजर्स 5 कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को फॉलो करेगी। इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। पर चलिए अब बात करते हैं कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2, एंटमैन 3 और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज में क्या देखने को मिल सकता है। तो लोकी के बाद जो मूवी सबसे ज्यादा इस सीरीज से कनेक्ट करेगी वो होगी स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेंगे और हमें पता है ये मूवी एक स्पाइडर वर्स की मूवी होने वाली है और इसमें हमारे हीरोज डिफरेंट मल्टीवर्स में ट्रैवल करेंगे और डिफरेंट यूनिवर्स के विलन और हीरोज भी एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आएंगे। तो स्पाइडरमैन नो वे होम पहली ऐसी मूवी होगी एमसीयू की जिसमें हम फुल फ्लेज मल्टीवर्स को एक्सपीरियंस करेंगे पहली बार। तो इस मूवी में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को और स्पाइडरमैन को मल्टीवर्सल थ्रेट से डील करते हुए देखेंगे, पर इस मूवी में शायद उनको पता नहीं चलेगा कि आखिर इस मल्टीवर्स को क्रिएट किसने किया है। इसके अलावा इवेंचुअली शायद लोकी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन नो वे होम में, जिसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम डायरेक्टली कनेक्ट करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वैसे तो मेन विलन सुमा गोराथ है और उसमें कैंग के बारे में हो सकता है हमें पता चले, पर कैंग मेन फोकस नहीं होगा उस मूवी का। उस मूवी का मेन फोकस वांडा पे होगा और अमेरिकन चावेस पे होगा, जिन दोनों के पास पावर्स हैं मल्टीवर्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की। अमेरिकन चावेस यंग एवेंजर्स की पार्ट है जिसको हम पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने वाले हैं। सो वांडा का और अमेरिकन चावेस का एक काफी बड़ा रोल होगा एमसीयू के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि वांडा एक नेक्सस बीन है और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को इस मल्टीवर्सल थ्रेट को खत्म करना है तो उन्हें वांडा की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आई थिंक लीड करेगा लोकी के सीजन 2 में, जहां पर हमें कैंग भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है लोकी के सीजन 2 में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखें। और अगर सब कुछ ठीक रहता है और लोकी के सीजन 2 में मार्वल वापस से डिसाइड नहीं करता है कि उसे लोकी को मार डालना है, और अगर लोकी बच जाता है सीजन 2 में भी, तो आपको लोकी एंटमैन 3 में भी देखने को मिल सकता है और एंटमैन 3 में हमें स्कॉट लैंग के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हमें एंटमैन 3 में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्कॉट लैंग अकेले कैंग द कॉन्करर को नहीं हरा पाएगा। और हो सकता है एंटमैन 3 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी मूवी हो जिसमें हमें मल्टीपल एवेंजर्स देखने को मिले। और एंटमैन 3 के बाद हो सकता है हमें इवेंचुअली फैंटास्टिक 4 की मूवी देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली कैंग द कॉन्करर रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है, यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक का डिसेंडेंट है। तो कैंग द कॉन्करर फैंटास्टिक 4 से जरूर कनेक्ट करेगा। इसका मतलब ये कि फैंटास्टिक 4 के बाद हमें एवेंजर्स की मूवी देखने को मिल सकती है जो कि अराउंड 2025 में आनी चाहिए, और ये मूवी सीक्रेट वॉर के ऊपर होगी। और अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की स्टोरी क्या होगी, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। बाकी इन द मीन टाइम अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में और जानना है, इसके अलावा सुमा गोराथ के बारे में और जानना है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।